हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, उसका पार्ट टू आपके साथ लेकर आए हैं। जैसे कि हमने आपको फर्स्ट पार्ट में ही इसके जितने भी फॉर्मुलेज हम लोग यूज करेंगे हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही ऑलरेडी समझा दिए हैं। अब हम आपके साथ सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेबिलिटी सीख सके और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीख सके, क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे होते हैं जिसमें कंसेप्ट होता है लेकिन एक दो क्वेश्चन की वजह से आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो हमारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि कंसेप्ट हमने आपको समझा दिया एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएं ताकि आप लोग उन चीजों को एटलीस्ट जो है समझ सकें कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हमने इस वीडियो में आपके सामने तीन क्वेश्चन लिए हैं, और भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें भी हम क्वेश्चन लेंगे। और सबसे अच्छी बात, ये प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 2012-2013 वर एज फॉलोज। सेल्स दे रखी है 2 सालों की और प्रॉफिट दे रखा है 2 सालों का। आपसे कहा जाता है पीवी रेशो निकालिए, ब्रेक इवन सेल्स निकालिए, सेल्स निकालिए जब प्रॉफिट आपको 1,20,000 चाहिए, या प्रॉफिट निकालिए जब आपको सेल्स 7,50,000 रुपए दी हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने एक और लिया क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर आप लोगों के लिए। अब हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, हमने आपको पहले ही बताया था कि हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब जो 2012 की आपको इन्फॉर्मेशन है वो ले लीजिए, 2013 की इन्फॉर्मेशन है वो ले लीजिए। तो 2012 का आपका सेल्स है 4,50,000 और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट आपको दे रखा है 60,000 रुपए, और 2013 का आपके पास सेल्स है 5,10,000 रुपए और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट दे रखा है आपको 75,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन से ना तो आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अप्लाई कर लीजिए, आप नहीं निकाल सकते। तो हमने आपको बताया था कि पीवी रेशियो के दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, नो कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर एंड देर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन सो दैट वी कैन इजिली फाइंड आउट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वी कैन नॉट फाइंड आउट कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर बाय हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है पीवी रेशियो का, जो हमने आपको बताया था। जब आपके पास इस तरीके से दो इन्फॉर्मेशन हो, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इन 200। नाउ व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट माइनस कर दीजिए 15,000 रुपए, चेंज इन सेल्स राइट दैट इज 60,000 रुपीज इन 200। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास पीवी रेशियो, 15,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इन 200, तो ये आ गया आपके पास 25%। तो जहां पीवी रेशो निकल आए वहां आपका आधे से ज्यादा सॉल्यूशन निकल कर आ गया। तो पहला काम जो हमें कहा गया है पीवी रेशो दैट इज डन, वो नहीं भी बोलता तो भी हमें ये करना ही करना है, बिना इसके काम नहीं होता डियर। सबसे पहला काम आपको पीवी रेशो निकालने का है। तो बहुत सीधी सी बात थी, दो इन्फॉर्मेशन है, पीवी रेशो का हमारे पास फॉर्मुला होता है डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इन 200, निकल गई पीवी रेशो। अब आप देखिए किस तरीके से यह पूरा टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ व्हाट डज पीवी रेशो स्टैंड फॉर, पीवी रेशो कहती है कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना वो 25% है सेल का, यही मतलब होता है इसका, इसको कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते हैं। तो आप बड़े आराम से कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। क्या बोला है हमने, ये 25% क्या स्टैंड करता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज 25% ऑफ सेल। इसका मतलब अगर आप 4,50,000 का 20% करेंगे तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो 1,12,500। सेम इसके लिए भी है, 5,10,000 रुपए की आपकी सेल्स है, इसका 25% दैट इज 1,27,500। ये यही स्टैंड करता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट है सेल का, मतलब अगर सेल 100 रुपए है तो 25 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो अगर सेल्स इतनी है तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। सिंपल, कॉन्ट्रीब्यूशन का 25 सेल्स का 25% आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए, अब आप सारा कुछ फिल कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आपने 4,50,000 में से क्या माइनस करा होगा कि 1,12,500 होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी 4,50,000 माइनस 1,12,500, तो ये आ गया आपके पास डियर 3,37,500। देखिए सिमिलरली आपने 1,12,500 में से क्या माइनस कराओ कि 60,000 आएगा, आप इसमें से इसको माइनस करके पता कर सकते। तो 1,12,500 माइनस 60,000, अब आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 52,500। सिमिलरली आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, देखिए बड़े आराम से इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा 5,10,000 माइनस 1,27,500, तो ये आ गया डियर आपके पास 3,82,500। सिमिलरली इसमें से ये माइनस कर दीजिए
7500 माइनस 75,000 दैट इज 52,500। तो आप देख सकते हैं एक बार पीवी रेशियो की मदद मिलते ही आपको ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पहला क्वेश्चन था पीवी रेशियो, वो हमने निकाल दिया। अब दूसरा सवाल क्या होता है, कई बार फिक्स्ड कॉस्ट का सवाल होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें मिल गई है जो हमारे काम की होती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जब तक क्वेश्चन में ना बोला हो फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम, तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। दूसरा सवाल था उसका ब्रेक इवन सेल। अब ब्रेक इवन सेल क्या होती है, तो लेट इट बी यहाँ पे ब्रेक इवन सेल है। ब्रेक इवन सेल को हमने एक्स रुपए लेट कर लिया कि हमने एक्स रुपए की सेल करी। एक बात ब्रेक इवन में कंफर्म होती है जो कि इनहेरेंट है उसकी वर्ड में ही, क्योंकि ब्रेक इवन का मतलब होता है देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपने क्या करा, यहां पर ब्रेक इवन सेल को ले लिया जीरो। अब ध्यान से सुनिएगा, पीवी रेशियो अभी भी वही है। क्या करा था हमने, सेल का 25% कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो अब सेल क्या है, एक्स, यानी उसका 25% अगर करा जाए तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है जी। और फिक्स्ड कॉस्ट चाहे आप कितना भी प्रोड्यूस करो, कितना भी सेल करो, फिक्स्ड कॉस्ट जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन वो सेम रहेगी, यानी आपके पास 52,500 रहेगी। तो देखिए किस तरीके से आपके पास इक्वेशन बनकर आ गई है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे 25% ऑफ एक्स माइनस 52,500 इक्वल टू जीरो, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखिए 25 एज इट इज रखा, ये 52,500 वहां जाके प्लस हो गया, एक्स को यही रखा, 52,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ गया डियर आपके पास 210,000 रुपए की ब्रेक इवन सेल। दैट मीन्स व्हाट, यानी अगर आप 210,000 रुपए का माल बनाकर बेचेंगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी। तो देखिए हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप बुक देखेंगे और बहुत सारी रेफरेंस बुक देखेंगे तो उसमें पता नहीं हर चीज के लिए अलग से फॉर्मूला बना रखा है। मुझे सिर्फ ये टेबल चाहिए और इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या समझाता है मुझे। कॉन्ट्रीब्यूशन सेल का 25% होता है, ठीक है, जितना भी आपके पास पीवी रेशियो आया। अब हमारा दूसरा काम हो गया ब्रेक इवन सेल। फिर उसने आपसे कहा फाइंड द सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, तो कह रहा है सेल्स निकालो जब मुझे 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो यही फॉर्मेट हम ले लेते हैं, यहां पर हमने प्रॉफिट डाल दिया 1,20,000 और लेट कर ली कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें सेल कितनी करनी पड़ेगी, वाई रुपीज, सेम 25% है पीवी रेशियो, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन सेल का 25% रहता है, तो यहां पर ये हो गया 25% ऑफ वाई। फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम रहेगी तो 52,500। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, दिस माइनस दिस इक्वल टू 1,20,000। तो अब देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। तो 25% ऑफ y माइनस 52,500 हमें चाहिए 1,20,000 रुपए, राइट। अब ये वहां जाके प्लस हो जाएगा आपके पास, y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर वहां जाकर वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इन टू 100 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आपके पास आ गया 6,90,000। यानी अगर आप 6,90,000 रुपए की सेल करेंगे तो आपको 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टेबल की मदद से आप सारा कुछ निकाले जा रहे हैं और सेम तरीका फॉलो हो रहा है। 20% ऑफ एक्स, यहां पर आपने क्या करा, एक बार ये मिला 20% सेल का करा आपने, इसमें से इसको माइनस करा फिक्स्ड कॉस्ट मिल गई, 20% आपने सेल का, 25% आपने सेल्स का करा, ये मिल गया फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। उसी के बेस पर आपने ये दोनों पार्ट अभी तक कर लिए, एक और पार्ट बचा है वो भी कर लेते हैं। कहता है फाइंड द प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 7,50,000, यानी अगर सेल 7,50,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, अब आप यहां पर 7,50,000 रुपए की सेल्स लिख दीजिए, ठीक है, आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। आपको पता है ना कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, 25%, तो इसका मतलब 7,50,000 का 25% अगर हम कर देंगे यानी 1,87,500 आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट सेम है सर, क्योंकि अभी तक कोई चेंज करने को नहीं कहा, तो 52,500 हमने माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया बच्चों 1,35,000 रुपए का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कितने कम स्पेस में बिना ज्यादा फॉर्मूलाज के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस पीवी रेशियो। यानी अगर आपको ये नहीं पता था तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये देखिए आपके पास 8-10 नंबर का जितने का भी ये क्वेश्चन आने वाला है तो ये आप बड़े आराम से अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने एक और लिया है ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हो तब तक कैसे बात बनेगी। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें सेम ऐसा सही सिनेरियो है। सेल्स दे रखी आपको 2007-2008 की 1,50,000, उसको हमने शॉर्ट में लिख दिया 150 और सारी इन्फॉर्मेशन लैक्स में है ये, तो 1,50,000
और 200 लाख है आपके पास, 150 लाख सॉरी, और 200 लाख, और ये प्रॉफिट है 30 लाख और 50 लाख। ठीक है, हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स निकालनी है जब आपको प्रॉफिट 90 लाख चाहिए, प्रॉफिट निकालना है जब आपको सेल 2,80,000 चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम अपना वही फॉर्मेट बनाएंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, राइट, क्या आ जाता है आपके पास प्रॉफिट। तो आपके पास 2007 की इंफॉर्मेशन है और 2008 की इंफॉर्मेशन है, तो वो ले लेते हैं हम लोग। सेल्स दे रखी है 150 लाख, तो ध्यान रखिएगा ये सारी इंफॉर्मेशन लाख में है, यहां पर भी 200 लाख, और प्रॉफिट दे रखे हैं 30 एंड 50 लाख। आपको पता है पहला क्वेश्चन उसका पीवी रेशियो, नहीं भी बोले तो भी आपको अपने आप से स्टेप लेना है और पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, चेंज इन प्रॉफिट, अगर आपके पास दो इन्फॉर्मेशन हो ऐसे तब भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इन 200। तो चेंज इन प्रॉफिट यानी इनका डिफरेंस 20 लाख, इनका डिफरेंस दैट इज 50 लाख इन टू में 100, ये कितना आ गया आपके पास 20 × 100 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 40%। अब बस पीवी रेशो के कमाल से अब सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिएगा क्या कहता है पीवी रेशो, कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेल्स का 40% होता है, यानी अगर आपको ये निकालना है तो सेल्स का 40% कर दो, तो ये हमेशा आपका पास सेल्स में होता है क्योंकि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में सेल्स है। ठीक है, इसका मतलब जो आपने कंट्रीब्यूशन निकाला है वो सेल्स का 40% है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स का 40%, तो 150 का 40% अगर हम निकाल लें तो 60 लाख आ गया। ठीक है ना, अब 150 में से आपने 60, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी आपके पास 90, राइट, और 60 में से आपने कुछ माइनस करा होगा 30, तो इसको माइनस कर दीजिए, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट आपके पास 30 लाख आ गई। सिमिलरली आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, 200 का 40%, ठीक है, कितना आ गया आपके पास 80 लाख, इसका मतलब यहां पर कितना रहा होगा 120 लाख, इसमें से माइनस करके भी निकाल सकते हैं या फिर आप लॉजिकली भी खुद देख सकते हैं, 80 से 50 आ गया तो आपने क्या माइनस करा होगा इसमें 30 लाख। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये पूरा टेबल बनकर तैयार हो गया एक बार जब आपको पीवी रेशो पता चल गई, और इसके लिए आपको क्या जानना जरूरी था, पीवी रेशो का ये ओरिजिनल फॉर्मूला, इसके बाद हमने कोई फॉर्मूला इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना और पूरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो उसका पहला सवाल था पीवी रेशो, वो हमने बता दिया। दूसरा सवाल क्या है, ब्रेक इवन सेल। अच्छा, ब्रेक इवन सेल कौन सी सेल होती है जिस पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो लेट द ब्रेक इवन सेल बी एक्स रुपीज, ठीक है, और हमें एक बात कंफर्म है कि ब्रेक इवन सेल पर आपका जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होता है। अब 40% ऑन सेल यानी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेल्स का 40% होता है, तो 40% ऑफ एक्स, फिक्स्ड कॉस्ट 30 लाख। अब कैसे सॉल्व होगा ये हमारे पास, 40% ऑफ एक्स माइनस 30 लाख इक्वल टू जीरो, ये 30 वहां जाके प्लस हो जाएगा, राइट, और 30 एक्स इक्वल टू 30 × 100 डिवाइडेड बाय 40, ये आपके पास आ गया 75 लाख। तो आपके पास ब्रेक इवन सेल आ गई 75 लाख, यानी अगर आप 75 लाख की सेल करेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, और 75 लाख से जितना आप ऊपर जाते जाएंगे वो आपके लिए सेफ पार्ट होगा। तभी तो आप देखिए 75 लाख से ये दोनों सेल्स ऊपर थी तभी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था 30 लाख का और 50 लाख का। अगर आप 75 लाख से नीचे बेचेंगे तो लॉस, 75 लाख की सेल करेंगे तो जीरो, और 75 लाख से ऊपर बेचेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो उसके दूसरे सवाल का जवाब भी हो गया ब्रेक इवन सेल। तीसरा सवाल, सेल्स बताओ अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो 90 लाख, फाइंड द सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90 लाख। ठीक है जी, हमने सबसे पहले प्रॉफिट को डाल दिया 90 लाख, क्योंकि हमें यहां पर सेल्स नहीं पता, एक्चुअल सेल्स के लिए हमने ये लिखा है, इसको लेट कर लिया वाई रुपए, क्योंकि हम एक्स ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, अभी भी पीवी रेशो वही है क्योंकि पीवी रेशो में कोई बदलाव नहीं आया। पीवी रेशो कब बदलती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट बदल जाए या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल जाए, और यहां पर सेलिंग प्राइस के बारे में या वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे जिसमें सेल्स चेंज हो जाती है और वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है जिसकी वजह से आपका ब्रेक इवन सॉरी पीवी रेशो जो है वो बदल जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसा कोई बदलाव नहीं है तो आपके पास पीवी रेशो सेम रहेगा सभी सिनेरियोज में। तो अब देखिए
40% ऑन सेल्स, तो ये वाई रुपीज आपने सेल्स लेट करी तो 40% ऑफ वाई आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे बिजनेस का सेम ही चल रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट 30 लाख। तो आपके पास नेक्स्ट आंसर कैसे निकल कर आ जाएगा, नेक्स्ट आंसर हो गया आपके पास 40% ऑफ वाई माइनस 30 लाख इक्वल टू 90। 30 वहां जाके प्लस हो गया, ये हो गया 120 लाख, सॉरी वाई y इक्वल टू 120 इंटू 100 अपॉन 40, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 300 लाख। इसका मतलब अगर कंपनी 300 लाख रुपए की सेल करती है तो कंपनी को 90 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमारे इस सवाल का जवाब भी हो गया। लास्ट सवाल, प्रॉफिट निकालो अगर कंपनी 280,000 रुपए का सेल करती है, प्रॉफिट व्हेन सेल रुपीज 280,000, ठीक है जी। इस बार हम सेल्स को ले लेते हैं, तो सेल्स हमें दे रखी है 280 लाख और हमें प्रॉफिट निकालना है, तो बहुत आसान है, 40% इसका करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो 280 का हमने 40% कर दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया 112, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 30, वो हमने माइनस कर दी, तो 82 लाख रुपीज का आपके पास प्रॉफिट होगा अगर आप 280,000 रुपए की सेल्स करते हैं। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से, ज्यादा जो है सिंपलिसिटी से, सिर्फ इस टेबल की मदद से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा, और पीवी रेशो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 4,000 रुपए, ब्रेक इवन सेल्स दे रखी है ऑलरेडी 80,000 रुपए, प्रॉफिट दे रखा है 1,000 रुपए। ऑब्वियसली ये किसी आप ब्रेक इवन सेल से आप ऊपर बढ़कर सेल कर रहे होंगे तभी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ब्रेक इवन सेल पर तो जीरो प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको 20 रुपए दे रखा है, आपको कहता है सेल्स निकालो और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो, इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट निकालो। और दूसरी सिचुएशन में कहता है न्यू ब्रेक इवन निकालो अगर सेलिंग प्राइस को हमने 10% से रिड्यूस कर दिया। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप सेलिंग प्राइस में बदलाव कर देंगे तो आपके पास जो पीवी रेशियो है वो भी बदल जाएगी और डेफिनेटली आपका ब्रेक इवन भी बदल जाएगा, क्योंकि अगर आप एक यूनिट 20 रुपए किया उससे कम में बेचना शुरू कर देंगे तो आपका सिनेरियो बदल जाएगा। तो क्या होगा अब इस क्वेश्चन में, सबसे पहले घबराना नहीं है, सबसे पहली चीज आप इसमें अपना फॉर्मेट बनाइए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आप लोग बस इसे प्रॉपर तरीके से स्केल से बना सकते हैं और कुछ बात नहीं है, बाकी इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है इसकी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज योर प्रॉफिट। अब जो जो चीजें आपके पास हैं, एक बात तो यह है यहां पर एक एक्चुअल सेल्स है और एक ब्रेक इवन सेल्स है, ये बात तो फॉर श्योर है, ठीक है। ब्रेक इवन सेल उन्होंने आपको बताई है कि 20,000 रुपए की आप सेल कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ब्रेक इवन सेल पर जो प्रॉफिट होता है दैट इज जीरो डेफिनेटली, और एक प्रॉफिट उसने आपको ऑलरेडी दिया है 1,000 रुपए, पर हमें यह नहीं पता कि यह प्रॉफिट कितने यूनिट बेचकर हो रहा है। उसने ये भी बताया कि एक यूनिट 20 रुपए की बिकती है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट भी उसने आपको दिया है 4,000 रुपए, तो यहां हमने 4,000 रुपए डियर फिक्स्ड कॉस्ट रख लिया। अब देखिए हम इसे उल्टा जाएंगे, यहां पर भी हमने 4,000 फिक्स्ड कॉस्ट रख लिया, तो आप बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा होगा। तो यहां कॉन्ट्रीब्यूशन 4,000 ही रहा होगा, कैसे आपको बताया कि आपने सेम चीज में से सेम चीज माइनस करी होगी तभी जीरो होगा। यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, इसको प्लस कर दीजिए उल्टा चलकर, तो 5 में से 4 माइनस करा था तभी तो 1 आया ना, ये देखिए, इज इट ओके। तो आप एक काम तो बड़े आराम से कर सकते हैं, आप वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपके पास, 16,000 रुपए। अब देखिए एक भी टेबल आपका कंप्लीट हो जाए ना, सबसे पहले और कुछ करने की बजाय जो भी पूछा है उसको छोड़ के फटाफट से पहले पीवी रेशो निकाल लो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, क्योंकि यहां पर आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन भी है सेल्स भी है, तो आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला यही होगा। जब आपके पास ये नहीं पॉसिबल होता तब हमें दो चीजों का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, और जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, बल्कि हमें एक्चुअल सेल्स तो निकालनी है। तो लेट कर लीजिए कि एक्चुअल सेल्स आपकी एक्स रुपए की है, ठीक है, ठीक है, एक्स यूनिट की है, सॉरी एक्स यूनिट लेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्राइस आपको दे रखा है 20 रुपीज। तो अगर एक एक्स यूनिट की और एक यूनिट आप 20 रुपए की बेचते हैं तो एक्स यूनिट कितने की हो गई, 20x की हो गई। अब सबसे पहले पीवी रेशो निकाल लीजिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो ये आपके पास 20% आ जाएगा डियर, 4000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आपके पास पीवी रेशो आ गई 20%। अब आप देखिए इसकी मदद से आप बड़े आराम से इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। देखिए क्या है, आपके पास आपने लेट कर लिया या यूनिट, क्यों लेट किया आपने यूनिट, यहां पर इस तरह सेल्स क्यों नहीं लेट करा, क्योंकि डियर जब आपको पर यूनिट
प्राइस दे रखा है, तो आपको उसको यूज करना है। यहां पर आपको ना पर यूनिट प्राइस दिया था, नंबर ऑफ यूनिट दिया था, तो हमने टोटल सेल को ही एक्स रुपए का लेट कर लिया था। अब हमें यहाँ पर यूनिट प्राइस ऑलरेडी गिवन है कि एक यूनिट 20 रुपए की बिकती है, तो हमें यहाँ पर टोटल सेल को लेट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ लेट करेंगे कितनी नंबर ऑफ यूनिट आप बेच रहे हो कि आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो लेट कि आप एक्स यूनिट बेच रहे हो और एक यूनिट 20 रुपए की बेच रहे हो, तो 20 यूनिट कितने की हो गई, सॉरी एक्स यूनिट कितने की हो गई, 20x रुपीज की। अब ध्यान से सुनिएगा, पीवी रेशियो क्या बताता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 20% है। तो अब देखिए यहां पर सेल्स कितनी है, 20x, इसका आपने 20% किया होगा तभी तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आया होगा। सेल्स का आपने 20% किया होगा तभी तो कंट्रीब्यूशन आया होगा ना। तो अब यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 5000 डिवाइडेड बाय 4। तो आप देखिए ये कितना आ जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई 1250 यूनिट। और हमसे पूछा गया था कि कितनी सेल्स करी जाए कि 1000 रुपए प्रॉफिट हो, ठीक है, तो 1250 तो यूनिट है, एक यूनिट आप 20 रुपए की बेचते हैं तो ये टोटल मिलाकर आपके पास 25000 रुपए की सेल्स हो गई। तो जो उसका पहला सवाल था वो यही था, फाइंड द सेल्स, ठीक है। सेल्स में हमने यूनिट में भी निकाल के दिखा दिया, रुपीज में भी निकाल के दिखा दिया, तो हमारे मार्क्स कटने के बिल्कुल कम चांस हैं, ठीक है। तो हमने यूनिट में भी निकाल के दिखा दिया कि आप 1250 यूनिट बेचोगे तब 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, या फिर आप 25000 रुपए की सेल करोगे तो जाकर आपके पास 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसके अलावा उसने एक और चीज पूछी थी, मार्जिनल कॉस्ट। अब मेरी बात समझिए, अगर आपके पास ये फिलअप हो गया 25000 सेल्स, तो 25000 में से 5000 माइनस कर दीजिए, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, जिसको इस चैप्टर के अंदर मार्जिनल कॉस्ट के नाम से बुलाया जाता है। तो आपका जो पहला सवाल था वो कंप्लीट हो गया, सेल्स कितनी है और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, विदाउट एनी फॉर्मूलाज। आपने सिर्फ पीवी रेशो के फॉर्मूला को इस्तेमाल करा और बाकी सब आपने कंसेप्चुअल नॉलेज से इस क्वेश्चन को कर लिया। बात आती है दूसरे सवाल की, नया ब्रेक इवन निकालिए अगर सेलिंग प्राइस को हम रिड्यूस कर देते हैं 10% से। अब ध्यान से सुनिए, आपका सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, 20 रुपए का अगर 10% हम करें, निकाल लीजिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा, गलती हो जाती है, 2 रुपए, ठीक है। कभी कभी वो 1% देता है तो भी हम 2 रुपए ले लेते हैं, जो कि गलत है क्योंकि आदत होती है 2 रुपए लेने की। इसका मतलब आप चाहते हो कि अब जो प्राइस है वो 20 रुपए में 2 रुपए कम कर हो जाए, यानी वो न्यू प्राइस जो कह रहा है वो 18 रुपए कह रहा है। और ये भी उसने क्लियर कर दिया कि ब्रेक इवन निकालनी है, तो लेट कर लीजिए कि ब्रेक इवन यूनिट्स हैं आपके पास एक्स, ठीक है, और एक यूनिट आप 18 रुपए की बेच रहे हैं, वाई ले लेते हैं क्योंकि हम एक्स ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, लेट द ब्रेक इवन यूनिट इज वाई, ठीक है। और आपके पास एक यूनिट अब कितने बिक रही है 18 रुपए में, तब भी आपको क्या करना है, ये तो जीरो ही है ना ब्रेक इवन सेल्स, बस ये न्यू ब्रेक इवन सेल्स है क्योंकि अब आपने प्राइस कम कर दिया है, तो यूनिट्स में चेंज डेफिनेटली आया होगा। क्या फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव है, बिल्कुल नहीं, तो फिक्स्ड कॉस्ट अभी भी आपके पास 4000 है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए अब आप इस पीवी रेशियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहां सेलिंग प्राइस पर यूनिट बदल गया है। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट का या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल जाए तो आपके पास ये पीवी रेशियो काम की नहीं है, यानी इस पर्टिकुलर को सॉल्व करने के लिए अब ये पीवी रेशियो इस्तेमाल नहीं होगी। तो अब हम क्या करें, क्या कोई फॉर्मूला याद करें, बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए। देखिए, हमने इस क्वेश्चन को इसलिए यूनिट में करके दिखाया है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई है 20000 रुपए की, ये जो 20000 रुपए की आपकी आई थी 1250 यूनिट, यस हमने ये निकाला था 1250 यूनिट, तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 20000 को 1250 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब एक यूनिट बनाने में जो कंपनी का खर्चा आ रहा है वो 16 रुपए है। तो क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदली है, बिल्कुल नहीं लिखा, तो वो सेम रहेगी जब तक वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदलने को नहीं कहता। तो इसका मतलब एक यूनिट अभी भी 16 रुपए की ही बन रही है और आपने बनाई है वाई यूनिट्स, तो ये कितना हो गया 16y, ये कितना हो गया आपके पास 2y। बस आप देखिए अब आपका आंसर आ जाएगा कैसे, 2y माइनस 4000 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसे करेंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है वो 2000 यूनिट आ रही है, और जब आप उसे 2000 को 18 से इंटू कर देंगे तो आपके पास नया ब्रेक इवन आ जाएगा, दैट इज 36000 रुपीज की सेल। देखा आपने कि हमने बिना फॉर्मूलाज के, जो कि बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले मेंशन है, बिना उसके आपने क्वेश्चन करा। लास्ट वाला पॉइंट मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं, देखिए यहां पर क्या था, आपके पास जीरो हो गया, हमने लेट कर लिया कि हम यहां पर ब्रेक इवन यूनिट बेच रहे हैं वाई, और एक यूनिट 18 रुपए की बिक रही है, ये कैसे पता चला, उसने बोला था सेलिंग प्राइस का 10% रिड्यूस करो और सेलिंग प्राइस था 20 रुपए, जो कि हमने यहां पर भी लिख रखा है, तो 2% कम करके 18 रुपए हो गया 18y। उसके बाद हमने यहां वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली कैसे, 20000 रुपए खर्च करे थे हमने 1250 यूनिट के, तो एक यूनिट के कितने हो गए 16 रुपए,
अभी भी एक यूनिट को बनाने में 16 रुपए ही खर्च हो रहे हैं। तो 18 वाई ये था आपके पास, यहाँ यूनिट हमने वाई लेट करी थी, तो एक यूनिट की अगर 16 रुपए तो वाई यूनिट के कितने, 16 वाई, इसको हमने माइनस कर दिया 2 वाई। नाउ दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो, तो अब आप देखिए 2y-4000 इक्वल टू जीरो, तो ये आपके पास जो y की वैल्यू है वो 2000 यूनिट आ गई। और इसे रुपीज में अगर आपने निकालना है तो 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा नया वाला ब्रेक इवन सेल्स। तो आई होप आपको इस वीडियो से जरूर मदद मिली हो, इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभाग।